की ताजा खबर, देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के दावे के बीच महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और दरिंदगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तेलंगाना में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, गैंगरेप जैसे अपराधों के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। एक ही महीने में महिलाओं के साथ ज्यादती और दरिंदगी के चौंकाने वाले कई मामले सामने आए हैं। वहीं 2017 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक तेलंगाना देश का ऐसा राज्य है जहां 18 से 30 साल की महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध हुए। 2017 में तेलंगाना में इसी आयु वर्ग की महिलाओं के साथ 91% रेप के मामले सामने आए हैं, जो देश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए गए। साथ ही सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में भी तेलंगाना देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल है। 4 नवंबर 2019 महिला तहसीलदार को जिंदा जलाया गया। तेलंगाना में 4 नवंबर को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां राजस्व विभाग एक महिला अधिकारी विजय रेड्डी को उसके कार्यालय में एक शख्स ने जिंदा जला दिया था। कथित तौर पर आरोपी अपने भूमि रिकॉर्ड में गलतियों को दुरुस्त न किए जाने को लेकर अधिकारी से नाराज था। यह घटना हैदराबाद के बाहरी हिस्से में स्थित रंगा रेड्डी जिले के अब्दुल्लापुर में तहसील कार्यालय में हुई थी।